हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। और दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र रावत और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर और आज की न्यू वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं खुलासा करने जा रहा हूं कि आखिर लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ। दोस्तों, आप सभी ने सुन लिया होगा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जब शुरू में ही स्टार्टिंग में ही ये न्यूज़ आ गई थी कि जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा कराई गई थी वो लीक हो चुका है, उसका पेपर लीक हो गया है, उसमें भी धांधली हुई है, तो उस पर भी मैंने खुलासा किया था। और दोस्तों, आज मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि आखिर लोक सेवा आयोग के द्वारा कराई गई पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक कैसे हुआ, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा प्रक्रिया का जो प्रश्न पत्र था वो लीक कैसे हुआ। तो 5 सवालों से हुआ पेपर लीक होने का खुलासा। 5 सवालों से, कौन से 5 सवाल थे, क्या है 5 सवालों वाला मामला, आखिर इन 5 सवालों से कैसे हुआ पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक। तो चलो बात करते हैं इस पे। लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई लेखपाल और पटवारी की परीक्षा का पेपर लीक होने का खुलासा एक अभ्यर्थी की गतिविधियों से हुआ था। दोस्तों, एक अभ्यर्थी जो कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीद लेता है लाखों रुपये देकर, और इसके बाद भी वह सेटिस्फाइड नहीं होता है, और जब उसको सारा प्रश्न पत्र पता चल जाता है तो अपने दोस्तों के सामने सेकिया झाड़ना शुरू कर देता है, और समझ सकते हैं आप कि अपने दोस्तों के सामने ज़्यादा सिकंदर बनने की कोशिश करता है और उनको 5 सवाल बता देता है कि ये सवाल आने वाले हैं। जब उसके दोस्त पेपर देते हैं तो 5 सवाल प्रश्न पत्र में आए हुए होते हैं, तो उसके दोस्त चौंक जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया, जो 5 सवाल इसने बताए वही कैसे आ गए। उसके बाद बात फैल गई आग की तरह, और उसके बाद एसटीएफ की टीम ने जांच शुरू कर दी, और जांच शुरू करते करते एसटीएफ की टीम उस लड़के के पास पहुंची और एसटीएफ की टीम ने उससे डरा धमका कर पता करना शुरू कर दिया कि आखिर तुझे कैसे पता चला है कि ये 5 सवाल ही आएंगे। और बाद में वह लड़का मजबूर हो जाता है और बता देता है कि ऐसे ऐसा हुआ था, यानी कि वो सब बता देता है कि उसने कैसे पेपर खरीदा, कितने रुपए दिए और कौन से अधिकारी पेपर लीक करने में संलिप्त थे। तो दोस्तों, देखते हैं आगे। पथरी के अंबुवाला निवासी राजपाल का नाम सामने आया। राजपाल तक पहुंचने के बाद पूरा मामला खुल गया। जिस सरकारी कर्मचारी की इसमें मिली भगत थी उसकी रिपोर्ट खोल दी। वो कई और परीक्षाएं जाँच की जद में आई, कई और परीक्षाएं जाँच की जद में आई। कौन कौन सी परीक्षाएं हैं देखते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में कराई गई प्रवक्ता जेई और एई परीक्षाएं भी जांच की जद में आ गई हैं। इनमें गड़बड़ी के संकेत मिलते ही एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 7 के खिलाफ, 7, देखो पटवारी भर्ती परीक्षा में 7 लोग लगभग गिरफ्त में आ चुके हैं। ये तो सिर्फ कुछ लोगों का पता चला है दोस्तों, हो सकता है कि जितने भी पद इसमें निकाले गए थे सब पद बेचे गए हों। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि इस पे हल्के में कार्रवाई की जा रही है। जो उत्तराखंड सरकार है वो हल्के में कार्रवाई कर रही है। इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी जो नेता करवा रहा है उस नेता को बड़े सम्मान के तौर पर कैबिनेट मंत्रिमंडल में रखा गया है और उन लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि जिन लोगों ने ईमानदारी से भी पेपर निकाले हैं उन लोगों को भी बाहर निकाल दिया है। और कैबिनेट का जो मंत्री, जैसे कि आप समझ सकते हैं प्रेमचंद्र अग्रवाल, इतनी बड़ी धांधली करवाता है विधानसभा बैकडोर भर्ती प्रक्रिया में, उसके बाद भी उसको कैबिनेट मंत्रिमंडल में सम्मानपूर्वक रखा गया है, यानी कि वो लाखों रुपए की सैलरी में काम कर रहा है और लाखों रुपए का भ्रष्टाचार अभी भी कर रहा है। तो ऐसे कई मंत्री हैं, तो कोई भी एक्शन नहीं लिया गया इन लोगों पर, और इसके बावजूद भी नहीं लेने वाले हैं ये लोग, और इसी तरह से होता रहेगा। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा फॉर्म ही नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है? क्योंकि मुझे भरोसा ही नहीं है कि ये लोग हम लोगों को ईमानदारी पूर्वक आगे निकलने देंगे, यानी कि ये भाई भतीजावाद ही दिखाने वाले हैं और इसी तरह से होने वाला है, क्योंकि इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। जब एक्शन ही लेंगे तो ये लोग ऐसे करते रहेंगे। इनको तो सिर्फ फांसी के फंदे तक पहुंचाना चाहिए, नहीं तो कम से कम आजीवन कारावास देना चाहिए, या फिर कम से कम 10 से 12 साल का कारावास देना चाहिए, तब जाकर ये लोग सुधरेंगे, अन्यथा इन लोगों पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पटवारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 7 के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके बाद में छोड़ देंगे। समझ सकते हैं कि जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा कराई गई थी 2019 में और 2021-22 में, मैंने भी दिए थे 2019-20 में, मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था बायोलॉजी का, एक साल तक हमारा ये रिजल्ट पेंडिंग भी रहा, और हमें भरोसा था कि इस पर जरूर इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा धांधली की गई है,
क्योंकि जो लोग बहुत अच्छे टैलेंटेड थे उनको बाहर कर दिया गया इंटरव्यू में, और जिन लोगों की पहचान थी, जो लोगों ने पैसे दिए उन लोगों को अंदर कर दिया गया था। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की भी छानबीन शुरू हुई है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने की चर्चाओं के बीच उसकी भी छानबीन की जा रही है। एसटीएफ सूत्रों के माने तो एक टीम बकायदा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की छानबीन में जुटी है, लिहाजा अभी एसटीएफ के अफसर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पिछली माह हुई थी परीक्षा कांस्टेबल की, जो पुलिस की जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी छानबीन शुरू कर दी गई है। पिछले माह हुई थी परीक्षा, लोक सेवा आयोग ने पिछले माह 18 तारीख को प्रदेश के 413 केंद्रों पर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा कराई थी। इसमें 1.20 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, पर पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर हुए खुलासे के बाद अब कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो दोस्तों ये है, कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा थी उस पर भी आँच आ चुकी है, और लगभग उत्तराखंड में होने वाली जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं उन सब पर आँच आ चुकी है। और 2019 और 21-22 में जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा हमने दी थी, हम इंटरव्यू तक पहुंचे थे, इस बार मेन तक पहुंचे थे, लेकिन यहां पर भी धांधली की गई है। और इसका सबूत पहले भी मिल चुका है, एक लाइव वीडियो भी हमने देखा था, उसमें एक लड़की बता रही थी कि क्या हुआ था, लेकिन यहाँ पर कोई भी छानबीन नहीं हुई है। जो लोग अपनी मेहनत से निकल रहे हैं उन लोगों को बाहर कर दिया जा रहा है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से संबंधित छानबीन पर बात करते हैं। चतुर्वेदी ने दी जानकारी। एसटीएफ सूत्रों की माने तो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने कई अहम जानकारी दी है। इसके चलते एसटीएफ मामले की जाँच में जुट गई है। एक टीम हरिद्वार में ही डेरा डाले हुई है। अनुभाग अधिकारी संजीव की जड़ें खंगाली जा रही हैं। चर्चा है कि जल्द इस परीक्षा को लेकर भी हैरान कर देने वाली बात सामने आ सकती है। एसटीएफ के एक अधिकारी के नाम छापने की शर्त पर इस परीक्षा को लेकर छानबीन करने की बात कबूली गई है। हमारे पूरे उत्तराखंड में भर्ती परीक्षाओं पर संकट के बादल मंडराए हुए हैं, और जितने भी बेरोजगार लड़के हैं उनका भविष्य बिल्कुल खराब करने की कोशिश की जा रही है। लगातार जितने भी पोस्ट निकाले जा रहे हैं, जितने भी पद निकाले जा रहे हैं उनको बेचा जा रहा है, और लोग इन परीक्षा पत्रों को बेचकर लाखों करोड़ों रुपए की कमाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी इतनी सी भी रहम नहीं है। ये लोग इतना भी नहीं सोचते हैं कि दुनिया को भी जीना चाहिए, संसार को भी जीना चाहिए, और ये लोग सिर्फ अपना पेट भरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बैंकों को भरने की कोशिश कर रहे हैं। नेता मौका पाते ही मंत्री बन जाता है, प्रधान बन जाता है एक आम आदमी, और वह भी अपने घर भरने की कोशिश करता है। ये जनता के लिए, समाज के लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। इन लोगों के अंदर दूसरों के लिए बिल्कुल भी पीड़ा नहीं है, और इस बात का मैं बहुत विरोध करता हूं। और जो लोग इस प्रकार की धांधली कर रहे हैं, जो लोग इस प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को खरीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, इन लोगों को फांसी के फंदे तक पहुँचा देना चाहिए। अगर इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आजीवन कारावास दे दो। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कि इनको जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और इनको कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह का भ्रष्टाचार ना कर सके। क्योंकि इससे पहले भी UKTSSC परीक्षा घपला 2021-22 हो चुका है, विधानसभा बैकडोर धांधली भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, और अभी ये पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा जो हुई है इसमें भी इन्होंने धांधली कर दी है, और जो अभी कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें भी पूरी तरह से संकट के बादल मंडराए हुए हैं। और प्रवक्ता लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 में और 2021-22 में जो प्रवक्ता की भर्ती परीक्षा कराई गई थी उस पर भी धांधली हुई है, उस पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, यानी कोई भी पेपर नहीं छूटे हैं। और अभी जो पटवारी लेखपाल की भर्ती परीक्षा हुई है, क्या पता उसमें सारे पोस्टें, सारी जितने भी पद हैं, सारे के सारे बेच दिए गए हों। तो ये चीज़ रुकने वाली नहीं है, क्योंकि ये लोग भी जानते हैं कि कार्रवाई होगी, 1-2 महीने थोड़े ये गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। इनके करोड़ों रुपए इन्होंने दबोचे हुए हैं, इन पर कुछ भी होने वाला नहीं है। ये लोग इस तरह से करते रहेंगे, अगर इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो हमारा देश खतरे में है, हमारे देश के लोग खतरे में, हमारे देश के युवा खतरे में, हमारे देश के भविष्य खतरे में है। तो इसी उम्मीद के साथ कि जल्द से जल्द इन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो को, आज की खबरों को यहीं पर समाप्त, और मिलते हैं आपको जल्दी नई वीडियो के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय। जीत की तुम बना, जीत ना को मान कर।